हाँ बच्चों, आप सभी का वापस से NPS की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी वीडियो नंबर 79 के बारे में, तो आप ध्यान दीजिएगा, ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। तो देखिए बच्चों, अब तक की हमारी जो भी क्लास हुई है, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड आई थिंक ये चौथी या पाँचवीं क्लास है, ठीक है। तो हमने अब तक व्यतिकरण को पढ़ा, व्यतिकरण कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, उसके बारे में डेफिनेटली हमने जानकारी ली। हमने अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ा, तो एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि व्यतिकरण अध्यारोपण के सिद्धांत पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पहुँचे व्यतिकरण पर। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, दो प्रकार का हो गया। अब आप देखेंगे कि भाई संपोषी व्यतिकरण में कलांतर क्या होता है, पथांतर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण में कलांतर क्या होता है, पथांतर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है जस्ट अभी कि भाई संपोषी व्यतिकरण में जो कलाकोण फाई होता है वो पाई का समगुणज होता है, तो हमारे पास फाइनली सीरीज 2n फाई के बराबर पहुंचती है। किस में? संपोषी व्यतिकरण में। और पथांतर पहुंचता है बेटा एन लैम्डा के बराबर। अगर हम बात करें विनाशी व्यतिकरण में, तो विनाशी व्यतिकरण में हम देखते हैं कि जो कलाकोण फाई होता है बेटा वो पाई का विषम गुणज होता है। तो सीरीज होती है पाई, 3π, 5π, है ना, और लास्ट में कहाँ तक जाकर पहुँचेगी? 2n-1 × π। आ रही बात समझ में? और विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर हम पथांतर की बात करें, तो बेटा हमारे पास जो पथांतर प्राप्त होता है विनाशी व्यतिकरण में, वो प्राप्त होता है 2n-1 × λ/2। तो इन सब के बारे में जानकारी हम अब तक की हमारी जो भी पिछली कक्षाएं हुई हैं, जो पिछली वीडियोज़ हैं, उसमें हम ले चुके हैं। अब हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और वो डिस्कस किया था कि भाई संपोषी व्यतिकरण में आयाम क्या प्राप्त होता है, विनाशी व्यतिकरण में आयाम क्या प्राप्त होता है, तीव्रता संपोषी व्यतिकरण में क्या प्राप्त होगी और तीव्रता विनाशी व्यतिकरण में क्या प्राप्त होगी। तो क्या प्राप्त होगी तीव्रता और क्या प्राप्त होगा आयाम, किस किस में, संपोषी विनाशी व्यतिकरण में, उसकी जाँच हम पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देखेंगे एक तरफ है बेटा संपोषी व्यतिकरण और एक तरफ है विनाशी व्यतिकरण, एक तरफ है संपोषी व्यतिकरण और एक तरफ है विनाशी व्यतिकरण। अब कौन से व्यतिकरण में तीव्रता अधिक होगी, कौन से में कम होगी, कौन से का आयाम अधिक होगा, कौन से का कम होगा, इसकी जांच हम करते हैं अब। तो ध्यान दीजिए, संपोषी व्यतिकरण में मैंने आपको बताया था कि जिन दोनों तरंगों का अध्यारोपण होगा वो दोनों तरंगें समान कला में रहेंगी, जबकि विनाशी व्यतिकरण में जिन दोनों तरंगों का अध्यारोपण होता है व्यतिकरण की घटना के दौरान, वे दोनों तरंगें असमान कला में होती हैं। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये पहली तरंग है, मान लेते हैं इसका आयाम 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर, इसका है 3 सेंटीमीटर, इसका भी कितना हो जाएगा बेटा? 3। अब इन दोनों को अध्यारोपित करोगे तो बेटा आप देख सकते हैं समान कला में है क्या? नहीं है ना, है ना समान कला में। तो दोनों के दोनों जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए पहली हो गई और ये दूसरी हो गई, क्योंकि दूसरे का आयाम थोड़ा बड़ा है, तो 2 और 3 समान कला में, तो आयाम जोड़कर बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर जो परिणामी तरंग प्राप्त होगी बेटा, उसका आयाम अधिक प्राप्त होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब ये दोनों जुड़कर टोटल कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर जुड़कर भी कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि समान कला में है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि सर यहाँ पर जो परिणामी तरंग प्राप्त हो रही है ना, उसका परिणामी आयाम हमें कैसा प्राप्त होगा? मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आयाम जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? दोनों तरफ जुड़ रहा है ना, यहाँ पे भी जुड़ेगा क्योंकि समान कला में है। तो एक बात बताइए, यहाँ से एक बात तो पता चल गई, सर आयाम जुड़ रहा है तो उसका आकार बढ़ रहा है, दैट मीन्स आयाम हमें अधिकतम प्राप्त होगा किस में? संपोषी व्यतिकरण में। अब उसका व्यंजक क्या निकलेगा वो हम बाद में ज्ञात करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख रहे हैं कि कौन से व्यतिकरण में आयाम अधिक प्राप्त होगा और कौन से व्यतिकरण में आयाम न्यूनतम होगा, या किस व्यतिकरण में तीव्रता अधिक होगी, किस व्यतिकरण में तीव्रता अधिक होगी और किस में न्यून होगी, ठीक है।
तो हमने देखा सर यहाँ पर आयाम जुड़ रहा है, तो परिणामी तरंग जो प्राप्त हो रही है इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग प्राप्त हो रही है इसका आयाम इन दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो योग तो जुड़ रहा है तो आयाम अधिक हो रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि संपोषी व्यतिकरण में आयाम अधिकतम प्राप्त होगा। अब एक बात आप बताइए कि जो परिणामी तीव्रता होती है ना तरंगों की, वो परिणामी आयाम के वर्ग कैसी होती है? समानुपाती। तो एक बात तो क्लियर है, जब आयाम ही अधिकतम है तो तीव्रता भी कैसी होगी बेटा? अधिकतम ही होगी ना, एक दोनों दूसरे के कैसे हैं? समानुपाती हैं, है ना। अब हम बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण में, इसमें दोनों तरंगें विपरीत कला में होती हैं। मान लीजिए ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है। फॉर एन एग्जाम्पल ये 3 सेंटीमीटर, 3, ये 4, और सॉरी इसको मान लेते हैं थोड़ा सा छोटा बना लो, 2 सेंटीमीटर 2। अब आप एक बात बताइए, दोनों असमान कला में है क्या नहीं, विपरीत कला में है क्या नहीं दोनों के दोनों? और जब दोनों विपरीत कला में हैं तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आयाम घटेगा कि नहीं घटेगा? तो इनके अध्यारोपण से जो तीसरी परिणामी तरंग बनेगी, देखिए ये इनकी परिणामी तरंग बन रही है कि नहीं बन रही है, ये इन दोनों की तुलना में छोटी प्राप्त होगी कि नहीं होगी? ये 3 है और ये 2 है, तो ये कितने का रह जाएगा? 1 सेंटीमीटर का रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से, यानी इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण कैसे होगा? ये पहली और ये दूसरी, हो गया ना। अब इनके अध्यारोपण से ये तीसरी परिणामी तरंग प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है? तो इसका जो परिणामी तरंग का आयाम है इन दोनों मूल आयामों की तुलना में ही छोटा प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे परिणामी आयाम कैसा प्राप्त होगा? न्यूनतम। ठीक है, कैसा प्राप्त होगा? न्यूनतम। और जब परिणामी आयाम ही न्यूनतम प्राप्त हो रहा है तो सीधी सी बात है, इस सूत्र के हिसाब से आय समानुपाती आर स्क्वायर परिणामी आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आयाम घट रहा है तो उसका स्क्वायर भी घटेगा, तो बेटा उसके समानुपाती कौन है? तीव्रता। तो उस तीव्रता के मान में भी क्या आएगी? कमी आएगी। तो एक बात हमें क्लियर हो गई यहाँ पर, इन दोनों कंडीशंस को जैसे हमने रीड आउट किया तो हमने देखा कि जो संपोषी व्यतिकरण होता है उस संपोषी व्यतिकरण में आयाम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त होंगी और विनाशी व्यतिकरण में आयाम और तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होंगी। अब उनका व्यंजक कैसे कैसे निकलेगा वो चीज़ हम समझते हैं, तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा, तो हम देखते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में हमारे पास अधिकतम आयाम का व्यंजक क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा, कि परिणामी जो आयाम होता है उसका व्यंजक होता है R बराबर में अंडर रूट a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो फाई है ये क्या है बेटा? कलांतर। ठीक है ना, कलांतर। और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर फाई होता है बेटा वो पाई का समगुणज होता है। तो ये चीज़ कई बार रिपीट हो रही है, उम्मीद करता हूँ अब आपके रट जानी चाहिए, या रटने नहीं तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई संपोषी व्यतिकरण के लिए कलाकोण जो फाई होता है वो पाई का समगुणज होता है। तो अभी हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संपोषी व्यतिकरण के लिए संपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी आयाम होता है उसका मान हमें अधिकतम प्राप्त होता है ना। तो अधिकतम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास कलाकोण फाई है, फाई बराबर में 2n पाई है ना, इसके लिए अधिकतम कहाँ प्राप्त होगा? जब इस फाई का मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, कितना मान होगा? इस कोस फाई टोटल कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा ना, तब ये पूरा मान कैसा प्राप्त होगा? अधिकतम। तो आप कोई भी मान रख के देख लीजिएगा, सभी की वैल्यू वही प्राप्त होगी आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे फाई बराबर 0 रख रहा हूँ, तो कोस 0 का मान 1 होता है ना बेटा, होता है ना, वही व्यंजक प्राप्त होगा। 2 पाई रखोगे
टू पाई का मतलब कॉस 360, कॉस 360 का मान भी कितना होता है बेटा, एक ही होता है। उसके बाद आप 4 पाई रख के देख लीजिए, कॉस 4 पाई का मान भी कितना होता है, एक ही होता है। तो अधिकतम मान कितने पर प्राप्त हो रहा है भाई, कॉस फाई बराबर में प्लस का एक, ये अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है हमारे पास, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। तो आप कोई सा भी मान रख लीजिए फाई की जगह, फाई की जगह 0 रख लो तब भी आपके पास कॉस 0 का मान एक, 2 पाई रख लो तो कॉस 2 पाई का मान भी एक, 4 पाई रख लो कॉस 4 पाई का मान भी एक। तो अधिकतम मान कितना प्राप्त हो रहा है, प्लस एक। तो मान रखेंगे हम r बराबर में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस, मैंने रख लिया 0, ठीक है। तो r बराबर में क्या बचेगा आपके पास, कॉस 0 का मान तो एक, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब देखो बेटा ये किसी का होल स्क्वायर हो रहा है ना, किसका हो रहा है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो r बराबर में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या चल रहा है रूट, रूट हटाओगे तो r बराबर में क्या बचेगा आपके पास, a1 प्लस a2 बच गया ना। तो ये कौन सा मान प्राप्त हो गया बेटा, अधिकतम मान a1 प्लस a2, यानी कि संपोषी व्यतिकरण की घटना में जो हमारे पास अधिकतम आयाम प्राप्त हो रहा था वो उन दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर ही प्राप्त हो रहा है कि नहीं, वही मैंने आपको डायग्राम से बताया था अभी उदाहरण लेकर। दोनों तरंगें समान कला में, इसका 2 है इसका 1 है, जुड़ेगा तो परिणामी आयाम 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो वही कंडीशन आ गई ना कि जो परिणामी तरंग बनेगी उस परिणामी तरंग का आयाम अगर तरंगें समान कला में है तो उन दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर होगा, तो ऑब्वियसली बात है बड़ा ही प्राप्त होगा, तो अधिकतम आयाम प्राप्त होगा, ठीक है। अगर किसी रेयर केसेस में, अब हालांकि व्यतिकरण में मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम 2 तरंगें चाहिए, और जिन 2 तरंगों से हम व्यतिकरण की घटना को पॉसिबल करते हैं उन 2 तरंगों की घटना से आप देखेंगे, मैं क्या बोलना चाह रहा था, हाँ कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि व्यतिकरण की घटना में जिन 2 तरंगों से न्यूनतम, जिन कम से कम हमें 2 तरंगें चाहिए, जिन 2 तरंगों से हम व्यतिकरण की घटना कराते हैं बेसिकली उन दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होती है, ठीक है ना, परंतु उनके आयाम डिफरेंट होते हैं ना, मैंने आपको बताया था। परंतु अगर किसी भी रेयर केसेस में इफ वी कंडीशन ऑफ डिज़ायर, यदि मैं मान लूँ कि दोनों तरंगों के आयाम कैसे हैं, बराबर हैं, दोनों तरंगों के आयाम कैसे हैं, बराबर हैं, तो मैं क्या मान रखूँगा, आर मैक्सिमम बराबर में A1 की जगह पर भी A और A2 की जगह पर भी A, तो R मैक्सिमम बराबर में कितना आ जाएगा, 2A आ जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, अधिकतम आयाम। आ रही बात समझ में, उतार लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। हाँ तो अब हम बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी की, तीव्रता की अगर हम बात करें, और वो भी संपोषी व्यतिकरण में, तो आप देखेंगे प्रकाश की तीव्रता। तो देखो बेटा, प्रकाश की तीव्रता आप निकालोगे तो प्रकाश की तीव्रता का व्यंजक होता है, आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली यानी कि वीडियो नंबर 77 में मैंने आपको प्रकाश के परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना सिखाया था। तो I बराबर फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। तो वही अधिकतम मान के लिए cos phi बराबर प्लस 1 मानेंगे आप, तो कोई भी मान रख लीजिएगा। एक बार और सीरीज लिख देता हूँ, 0 2 पाई 4 पाई 2n पाई, कोई भी मान रख लो, सभी का मान एक ही प्राप्त होगा अधिकतम। तो मैं फाई बराबर 0 पर ही निकाल लेता हूँ, तो आई इज इक्वल टू में I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस, फाई की जगह 0, कोस 0 का मान 1, तो आई बराबर में कितना व्यंजक आ जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। यह वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये जो तीव्रता है ना बेटा ये अधिकतम है। और जनरली अगर आप इसको देखना चाहो तो ये देखो, ये किसी का होल स्क्वायर हो रहा है, आई बराबर में ब्रैकेट स्टार्ट रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये अधिकतम तीव्रता का सूत्र है जो कि हमें संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत प्राप्त होती है।
खासकर बायोलॉजी बायोलॉजी वाले बच्चों को दिक्कत आती है थोड़ी सी कि सर ये कैसे लिख दिया, तो बेटा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। आ रही बात समझ में? बन रहा है ना। तो अगर इसको हम इस वाले फॉर्मूले से खोलेंगे ना तो सेम हमें यही व्यंजक प्राप्त होगा। तो ये बन रहा है बेटा रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो संपोषी व्यतिकरण में जो हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो रही है उस अधिकतम तीव्रता का व्यंजक है आई मैक्सिमम इज इक्वल टू में अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से आगे। जैसे कि किसी रेयर केसेस में मैंने दोनों तरंगों का आयाम कैसा माना है बेटा, बराबर माना है। तो मेरे पास अधिकतम आयाम 2a के बराबर आ रहा था। इस कंडीशन में मैं तीव्रता भी दोनों तरंगों की बराबर मान लेते हैं, हम मानने में क्या जा रहा है, मान ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माना। तो मैंने कहा भाई पहली तरंग की तीव्रता आई वन है और दूसरी तरंग की तीव्रता कितनी आई टू, दोनों को मैंने एक दूसरे के बराबर मान लिया। तो आई वन बराबर आई टू बराबर मैं कितना मान लेता हूँ, आई नॉट मान लिया। अब आप कहोगे सर आपने आई के बराबर क्यों नहीं माना, आई के बराबर इसलिए नहीं माना क्योंकि मेरा ओरिजिनल व्यंजक ही आई के बराबर चल रहा है, अगर यहाँ पे आई रखूँगा तो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आई नॉट के बराबर माना है जो कि अधिकतम मान है। बेसिकली ये आई नॉट कौन सा मान है, अधिकतम मान है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मान रखेंगे यहाँ पे, तो इसको उठा के लाइए। आई मैक्सिमम बराबर में ब्रैकेट स्टार्ट रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, यही है ना बेटा। तो आई मैक्सिमम बराबर में इसको खोलेंगे तो सेम ये व्यंजक प्राप्त होगा आपके पास, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू। अब मान रखेंगे तो आई मैक्सिमम बराबर आई वन की जगह पर आप क्या रखोगे बेटा, आई नॉट प्लस टू। आई वन की जगह आई नॉट, आई टू की जगह आई नॉट, आई नॉट का आई नॉट से गुणा कराया आई नॉट स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम बराबर में आई नॉट टू आई नॉट प्लस दो बार बैठाइए इसका रूट हटाओगे तो ये भी टू आई नॉट। तो आई मैक्सिमम कितने के बराबर आ जाएगी भाई, आई मैक्सिमम आ जाएगी बेटा फोर आई नॉट के बराबर। कितने के बराबर आ जाएगी, फोर आई नॉट के बराबर। तो ये हो गई है तीव्रता, ठीक है, जो कौन से व्यतिकरण में प्राप्त हुई है, संपोषी व्यतिकरण में। तो देखो बेटा मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि व्यतिकरण के घटना के दौरान जो अधिकतम आयाम और अधिकतम तीव्रता कौन से व्यतिकरण में प्राप्त होती है उसको भी मैंने आपको पहचान बताई थी। अब हमें पहचान हो गई थी भाई अधिकतम तीव्रता और अधिकतम आयाम संपोषी व्यतिकरण में प्राप्त हो रहा है और न्यूनतम तीव्रता न्यूनतम आयाम विनाशी व्यतिकरण में प्राप्त हो रहा है। तो उस अधिकतम आयाम और अधिकतम तीव्रता दोनों का व्यंजक क्या होगा, तो अधिकतम आयाम का व्यंजक तो हो गया ए वन प्लस ए टू, अधिकतम तीव्रता का व्यंजक हो गया रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि भाई जो न्यूनतम तीव्रता न्यूनतम आयाम हमें प्राप्त हो रहे हैं वो कौन सी में कौन से व्यतिकरण में प्राप्त हो रहे हैं, तो वो होंगे विनाशी व्यतिकरण में। तो उनको हम निकालेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, ठीक है, जिससे आपको इसको हल करने में सुविधा रहेगी। तो ध्यान दें, अब मैं बात कर रहा हूं विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण के लिए हम सबसे पहले परिणामी आयाम ज्ञात करते हैं। परिणामी आयाम निकालेंगे तो सूत्र बनता है हमारे पास वही आर इज इक्वल टू में अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कोस फाई। बन गया ना बेटा, ठीक है। अब सीरीज क्या होती है भाई विनाशी व्यतिकरण के लिए, कला कौन फाई की, पाई का विषम गुणज होता है, पाई कोमा थ्री पाई कोमा फाइव पाई डॉट 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 टू एन माइनस वन इंटू फाई। तो कोई भी मान रख लीजिए, जैसे कि मैं फाई बराबर पाई पे निकालता हूँ तो आप देखेंगे अगर मैं कोस पाई यानी कोस 160 का मान निकालूंगा तो माइनस 1 आएगा। तो आप किसी भी मान को रख लो बेटा, किसी भी मान को रख लो, पाई को रखोगे तो माइनस 1, 3 पाई को रखोगे तो माइनस 1, कोस 5 पाई का मान माइनस 1, कितना मान प्राप्त होगा माइनस 1। तो मैं इस पर ही निकाल लेता हूँ, तो आप देखेंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कोस पाई, पाई की जगह पर मैंने क्या रख दिया है पाई यहाँ से, ठीक है। तो कोस पाई माइनस 1 आर इज टू रूट, क्या वैल्यू बच रही है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर
प्लस टू ए वन ए टू इन टू माइनस एक, इसकी जगह मैंने माइनस एक मान रख दिया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ आर इज कस्टू में अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस के टू ए वन ए टू। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर से किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो मिनिमम आयाम निकल कर आ रहा है, जिसका व्यंजक क्या निकल कर आ रहा है, ए वन माइनस ए टू। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम परिणामी आयाम ये रहा, कहाँ ये रहा, मैक्सिमम परिणामी आयाम आपके पास ए वन प्लस ए टू के बराबर आ रहा था। कौन से व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण में। तो न्यूनतम परिणामी आयाम आर मिनिमम बराबर में ए वन माइनस ए टू निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी आपने दोनों तरंगों का आयाम बराबर माना है, तो किसी भी रेयर केसेस में यदि आप दोनों तरंगों के आयाम को एक दूसरे के बराबर मान लो, तो ए वन बराबर ए टू बराबर ए, तो आप देखेंगे जो परिणामी तरंग का आयाम है वो तो क्या हो जाना है, शून्य हो जाना है। तो आर मिनिमम बराबर में ज़ीरो आ रहा कि नहीं आ रहा, ये ए है भाई, क्योंकि ए वन बराबर ए टू है ना, तो ए वन की जगह ही और ए टू की जगह ज़ीरो हो गया। तो न्यूनतम आयाम कितना हो गया बेटा, शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें परिणामी तीव्रता की बात करें हम, तो आप देखेंगे अगर हम बात करें परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता का व्यंजक आपने पढ़ा था, परिणामी तीव्रता का व्यंजक होता है आई बराबर में आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस फाइव। बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब मैं ये परिणामी तीव्रता कौन से व्यतिकरण के लिए ज्ञात कर रहा हूँ बेटा, विनाशी व्यतिकरण के लिए। कौन से व्यतिकरण के लिए ज्ञात कर रहा हूँ, विनाशी के लिए। विनाशी के लिए ज्ञात कर रहा हूँ, तो ये फाइव कला कौन बैठा है कि नहीं बैठा है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि विनाशी व्यतिकरण में जो कला कौन फाइव होता है वो पाई का विषम गुणज होता है। विषम गुणज होता है तो फाइव की सीरीज क्या बनेगी, फाई की सीरीज बनेगी फाई बराबर में पाई का विषम गुणज होगा, तो पाई कोमा थ्री पाई कोमा फाइव पाई डॉट 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 टू एन माइनस वन इन टू पाई। यहाँ से देख सकते हैं आप ये, ठीक है, रखें मान, कोई भी मान रख लो, कोई माइनस एक आएगा, तो मैं फाई बराबर पाई पर निकाल लेता हूँ। चलिए, तो आई बराबर में आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कोस पाई, कोस पाई वही माइनस एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो आई बराबर में आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू इन टू माइनस एक, तो ये व्यंजक बन जाएगा आई बराबर में आई वन प्लस आई टू माइनस के टू अंडर रूट आई वन आई टू। किसका होल स्क्वायर हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ पे प्लस था तो मैंने इसका लिख दिया ना, यहाँ पे बस एक ही चेंज है, यहाँ पे तो क्या था प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई बराबर में ब्रैकेट स्टार्ट रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। और ये कौन सी तीव्रता निकल कर आएगी, न्यूनतम तीव्रता निकल कर आएगी। कौन से व्यतिकरण में आएगी, ये आएगी बेटा विनाशी व्यतिकरण में। कौन से व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण। अब जैसे सेम वही तो कर रहे हैं हम, कुछ खास ज़्यादा चेंज थोड़ी कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपने निकाला था कि भाई आई वन आई टू को आपने कहाँ निकाला था, ये रहा, कहाँ गया यार, ये रहा आई वन आई टू को आपने आई नॉट के बराबर माना था अधिकतम तीव्रता, ऐसे आप यहाँ पे मान सकते हो। यदि इफ आई वन बराबर आई टू बराबर में आई नॉट के बराबर मान लिया, तो उसको खोलेंगे तो ये व्यंजक तो आएगा। रखो मान आई बराबर में आई वन की जगह पर आई नॉट, आई टू की जगह पर भी आई नॉट माइनस टू अंडर रूट आई वन की जगह आई नॉट, आई टू की जगह आई नॉट, आई नॉट का आई नॉट से मल्टीपल होगा आई नॉट स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आई नॉट बचेगा, आई बराबर आई नॉट टू आई नॉट माइनस के टू आई नॉट। तो न्यूनतम तीव्रता कितनी निकल कर आ जाएगी, ज़ीरो। अरे नहीं आए, तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको अधिकतम आयाम और अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम आयाम और न्यूनतम तीव्रता दोनों का व्यंजक ज्ञात करना सिखाया है।
इसी के साथ साथ मैंने आपको ये सिखाया है कि कौन से व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होगी और कौन से में न्यूनतम होगी, या कौन से व्यतिकरण में आयाम अधिकतम होगा और किस में न्यूनतम होगा। तो आप देख सकते हैं, पहचान करना मैंने आपको सिखाया स्टार्टिंग में कि संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं, जबकि विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। तो देखिए बेटा, आज की वीडियो में केवल हम इतनी ही जानकारी लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यंग का द्विछिद्र प्रयोग। ठीक है, इससे पहले कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक हैं आपका, तरंगाग्र का निर्माण, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, तरंगाग्र का निर्माण कैसे किया जाता है, ये आपको अगली वीडियोस में मिल जाएंगे। लेकिन इन सभी टॉपिकों को पढ़ाने से पहले इसी ही से संबंधित व्यतिकरण की घटना से संबंधित एक टॉपिक और है आपके सिलेबस में, यंग का द्विछिद्र प्रयोग। उसके बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।